स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर उमा राठौर। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड के पेपर थर्ड में यूनिट फोर में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड फर्स्ट में कंडक्टोमेटिक टाइटेशन के बारे में जानेंगे। हमें जानते कि टाइटेशन में जो है कंडक्टोमेट्रिक मेथड द्वारा एंड पॉइंट निकालने का जो मेथड है, विधि है, उसको हम कंडक्टोमेट्रिक टाइटेशन कहेंगे। कॉलरोस नियम के अकॉर्डिंग किसी भी विलयन में यानी सॉल्यूशन में इक्विवेलेंट जो कंडक्टेंस हैं उसमें उपस्थित आयंस की संख्या और उनकी मूवेबिलिटी यानी उनकी गतिशीलता पर निर्भर करती है। जब अनुमापन किया जाता है यानी टाइटेशन की जाती है तो अनुमापक यानी टाइट्रेंट के आयन टाइटर के आयन से क्रिया करके दुर्बल विद्युत अपघट्य या बहुत कम घुलने वाले पदार्थ बनाते हैं। हम एग्जांपल लेते हैं H प्लस और OH माइनस आयन, जिससे बनता है H2O। KCl तथा Ag3 के जो हमारे पास टाइटेशन है उसमें Ag प्लस और Cl माइनस आयन है जो कि AgCl देते हैं। इस प्रकार की हमारे पास रिएक्शन होती है। अब हमारे पास जो हटाए गए रिमूव किए गए आयन की जगह पर जब दूसरे आयन आते हैं, जिससे क्या है कि जो टाइटेशन है टाइटेशन मिश्रण में उनके कंडक्टेंस में चेंज आ जाता है। एंड पॉइंट से पहले जो विलयन की कंडक्टेंस होता है उसमें परिवर्तन होता है, जिसे कि हम ग्राफ द्वारा निकाल सकते हैं। हम यहाँ पर दो प्रकार के जो टाइटेशन है उनका डिस्क्रिप्शन देंगे। एक है हमारे पास एसिड बेस टाइटेशन, दूसरा है हमारे पास प्रेसिपिटेशन टाइटेशन। जो एसिड बेस टाइटेशन है उनको हम चार कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट कैटेगरी जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की है। हम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए कोई भी एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे एच प्लस सी एल माइनस, इससे हमारे पास बनेगा एन ए प्लस ओ एच माइनस आयन। अब देखिए हम क्या करते हैं, इस प्रकार के टाइटेशन में क्या होता है कि जो हमारे पास जो इक्विलियन होता है किसी एक विलियन का जो एक निश्चित आयतन होता है, जो हम कंडक्टिविटी सेल में लिया जाता है, जिसके अंदर कंडक्टिविटी सेल रखते हैं, या यूँ समझ लीजिए हम बीकर के अंदर जिसमें हमारा सॉल्यूशन रखा हुआ है निकालना है जिसकी कंडक्टेंस, उसमें कंडक्टिविटी सेल रखेंगे। और एक दूसरा विलयन होता है जिसे हम ब्यूरेट में भरते हैं और ड्रॉप ड्रॉप करके वो छोटे बीकर में हम डालते हैं और साथ में कंडक्टेंस हम नोट करते रहते हैं। हर बूंद पर हम कंडक्टेंस नोट करते रहते हैं। सेम यही प्रोसीजर हमें चारों टाइटेशन के लिए अपनाना है। इस टाइटेशन में भी हमने क्या है, बीकर में हमने क्या लिया है HCl और ब्यूरेट में हमने भरा है NOH। अब हम क्या करेंगे, धीरे धीरे जो HCl सॉल्यूशन है उसमें कंडक्टिविटी सेल भी हमने लिया है। अब क्या है, जैसे ही हमारे पास ब्यूरेट से NOH का जो OH माइनस आयन है H प्लस आयन को रिमूव करता है, और ये हमारी जो कंडक्टेंस होती है इसके अंदर मेनली जो H प्लस आयन है यहाँ पे हमारा और Cl माइनस आयन, इनके द्वारा उनके द्वारा होती है। अब जैसे जैसे हम ब्यूरेट से NOH डालेंगे OH माइनस आयन H प्लस आयन को रिमूव करेगा। इस तरह से क्या है, कंडक्टेंस में धीरे धीरे क्या है, कमी आएगी। H प्लस आयन
OH माइनस आयन के द्वारा रिमूव होते जाएंगे और H2O हमारे पास बनता जाएगा। अब धीरे धीरे एक स्थिति ऐसी आएगी कि विलयन में उपस्थित सभी H प्लस आयन OH माइनस आयन से न्यूट्रल हो जाएंगे। अब क्या है, मिश्रण में NOH और मिलाने पर सडन इसमें चेंज हो जाता है, जो ग्राफ में डिक्रीजिंग हो रही थी सडन इसमें इंक्रीज होने लगता है। यानी यहाँ पे जब इन दोनों जैसे जैसे OH आयन डालेंगे, NOH की मात्रा डालेंगे, OH आयन के कारण जो है कंडक्टेंस में वृद्धि होती रहेगी। अब हम इन ग्राफ को जब मिलाएंगे इन दोनों लाइनों को, तो एक बिंदु पर काटती है वो, उस बिंदु को हम एंड पॉइंट कहेंगे। यही हमारे टाइट्रेशन का एंड पॉइंट है। इस बिंदु पर समतुल्य NOH की मात्रा सेल में लिए गए HCl की जो विलयन है उसको उदासीन करने के काम आएगी। अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक इलेक्ट्रोलाइट। हम जानते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड में अभी हमने एग्जांपल लिया है HCl और वीक इलेक्ट्रोलाइट है NH4OH। जैसे हम विलयन में HCl डालेंगे, H प्लस आयन की जो कंडक्टेंस है धीरे धीरे कम होगी, यानी H प्लस आयन NH4 प्लस आयन के द्वारा रिमूव होते रहेंगे, तो ये यानी कंडक्टेंस में धीरे धीरे कमी आएगी। लेकिन हम जानते हैं कि NH4 प्लस क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। वीक इलेक्ट्रोलाइट होने के कारण इसका आयनाइजेशन कम्प्लीटली नहीं हो पाएगा, अतः आयन उपलब्ध नहीं होने के कारण ये जो कंडक्टेंस है इसकी वैल्यू लगभग कॉन्स्टेंट सी रहेगी हमारे पास। यानी कंडक्टेंस में वृद्धि, कोई विशेष वृद्धि नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे मुक्त OH माइनस आयन नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो इसका आयनन कम्प्लीटली नहीं हो पाता पूर्णतः। अब हम तीसरा एग्जांपल देखते हैं इसके अंदर, और जब एंड पॉइंट पे इनको मिलाएंगे, इन दोनों को रेखाओं को बढ़ाते हुए, तब एंड पॉइंट एक्स पर ये हमें एंड पॉइंट हमारा मिल जाता है। अब हम देखते हैं अगला एग्जांपल, दुर्बल अम्ल तथा प्रबल क्षार, यानी वीक एसिड और स्ट्रोंग बेस के द्वारा। वीक एसिड में जैसे कि हमने एसिटिक एसिड लेंगे और स्ट्रोंग बेस है हमारे पास NOH। एसिड को हमने कंडक्टिविटी सेल में लिया है और जो हमारा बेस है वो हमारे पास ब्यूरेट में है। हम जानते हैं कि हमारा जो एसिड है वीक होने के कारण इसकी कंडक्टेंस हमारी क्या रहेगी, कम रहेगी। और जब हम इसमें धीरे धीरे जैसे NOH डालेंगे, कंडक्टेंस कम रहने के कारण इस तरह से ग्राफ प्राप्त होएगा। जैसे जैसे हम इसमें NOH डालेंगे तो NOH क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। इसका Na जो है एसिटिक एसिड से क्रिया करके सोडियम एसिटेट बनाएगा, जो कि एक उच्च आयनन वाला प्रबल विद्युत अपघट्य है। इसके कारण क्या है, इसके कंडक्टेंस में क्या होगा, वृद्धि होएगी धीरे धीरे। जैसे जैसे NOH डालते रहेंगे वैसे वैसे कंडक्टेंस इनकी बढ़ती रहेगी। एंड पॉइंट के बाद इनके क्या है, NOH डालने पर OH मात्रा OH माइनस के कारण, यहाँ पर ये जो CD लाइन कंडक्टेंस बढ़ रही है ये OH माइनस आयन के कारण बढ़ रही है। जब इन दोनों लाइनों को हम मिलाएंगे तो X पॉइंट पर कटेगी और हमें यही हमारा एंड पॉइंट मिल जाएगा। अब हम देखते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक एसिड और वीक बेस के लिए। वीक एसिड हमारे पास एसिटिक एसिड है और बेस है NH4OH का एग्जांपल लेते हैं, वही हम एसिड लेंगे बीकर में और NH4OH भरा हमने ब्यूरेट के अंदर। वीक इलेक्ट्रोलाइट होने के कारण जो शुरू में इनकी कंडक्टेंस कम रहेगी और NH4OH मिलाने पर उच्च जो है कंडक्टेंस वाला
CO, NH4 यानी अमोनियम एसीटेट बनता है। ये अमोनियम एसीटेट के कारण जो विलयन की कंडक्टेंस बढ़ जाती है, इसीलिए क्या है ए बी पर इनकी कंडक्टेंस बढ़ने पर ये ग्राफ इस तरह से आता है। और चूँकि लगातार NH4OH डाल रहे हैं तो NH4OH का जो आयनन है वीक इलेक्ट्रोलाइट होने के कारण इसका आयनन आयनाइजेशन बहुत कम होता है, अतः एंड पॉइंट के बाद में मुक्त अवस्था में OH माइनस नहीं मिलने के कारण यह वैल्यू जो है कंडक्टेंस हमारे पास लगभग कांस्टेंट रहती है, कोई इसमें विशेष परिवर्तन नहीं होता है। इस प्रकार हमें ये चारों ग्राफ प्राप्त होते हैं। अब हम देखते हैं प्रेसिपिटेशन टाइटेशन में एग्जांपल हम लेते हैं Ag प्लस और KNO3 के प्लस Cl माइनस, इनसे बनता है KNO3 और AgCl। कंडक्टिविटी सेल में AgNO3 विलयन की जो कंडक्टेंस है Ag प्लस और NO3 आयनों की उपस्थिति के कारण होती है। KCl मिलाने पर जो Ag प्लस आयन है हमारे K से रिमूव हो जाते हैं, लेकिन हमारे पास Ag और जो हमारा K प्लस है उनकी गतिशील जो है गतिशीलता यानी कंडक्टेंस लगभग बराबर होती है, इसलिए जो हमारा अनुमापन मिश्रण है उसमें कंडक्टेंस में कोई विशेष चेंज नहीं होता है। एंड पॉइंट के बाद में KCl डालने पर मुक्त Cl आयन मिल जाने के कारण इनके कंडक्टेंस में सडन चेंज होता है और दोनों लाइनों को आपस में AB और CD को मिलाने पर हमें X पर कटती है, तो ये यहाँ पर हमें एंड पॉइंट प्राप्त होता है। इन दोनों टाइटेशन में चालकता मूलक अनुमापन का हमें लाभ ये है कि तनु विलयनों का अनुमापन किया जा सकता है, अतः डाइल्यूट सॉल्यूशन का भी। रंगीन विलयन जैसे हमारे पास डाई है और स्टफ डाई स्टफ का अनुमापन किया जा सकता है, क्योंकि इसमें एंड पॉइंट का कलर हमें क्योंकि पहले से ही कलरफुल है तो एंड पॉइंट में जो चेंज है वो दिखाई नहीं देगा, लेकिन इसके द्वारा इंडिकेटर बिना इंडिकेटर का उपयोग किए हुए हमें एंड पॉइंट मिल जाएगा। प्रबल व दुर्बल अम्लों के मिश्रण का भी अनुमापन इस विधि द्वारा किया जा सकता है, यानी स्ट्रांग और वीक बेस मिला के भी हम इसमें टाइटेशन कर सकते हैं। दुर्बल क्षार व प्रबल अम्ल का अनुमापन चालकता मूलक अनुमापन द्वारा किया जाता है, क्योंकि साधारण आयन आयनमितीय विश्लेषण में ऐसे अनुमापन सूचकों के साथ तीक्ष्ण रंग परिवर्तन नहीं होता है। इस विधि में जो एंड पॉइंट है ग्राफ द्वारा निकाला जाता है, अतः एंड पॉइंट से पहले और बाद में कुछ ही मापन पर्याप्त हैं और अंतिम बिंदु पर साधारणतः अनुमापन की तरह कोई सावधानी नहीं रखनी पड़ती है। प्राप्त जो रिजल्ट होते हैं बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं इसके अंदर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।